नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल 2020 के 32वें मैच में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। मुंबई इंडियंस ने अपने रुतबे के अनुरूप इस साल भी वैसा ही प्रदर्शन किया है। टीम पॉइंट्स टेबल में लगातार टॉप पोजीशन बनाए हुए है। इस मुकाबले में भी मुंबई को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। मुंबई ने पिछले 4 मैचों में लगातार जीत हासिल की है, जबकि केकेआर की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोलकाता की टीम अब तक 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीते हैं और ही 3 मुकाबले हारे हैं। टीम 8 अंकों के साथ अंक तालिका में 4थे नंबर पर है। पिछले मैच में कोलकाता को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथों 82 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। केकेआर की तरफ से उसके मुख्य स्पिनर सुनील नारायण खेल पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। वेस्टइंडीज के स्पिनर की संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के लिए रिपोर्ट की गई है। वो आरसीबी के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए थे। मैच शेख जायद स्टेडियम में होगा। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने इस सत्र में अपने दोनों अर्धशतक इसी मैदान पर लगाए हैं। उन्हें वैसे भी कोलकाता के खिलाफ खेलना पसंद है। इन दोनों टीमों के बीच पिछले मैच में रोहित ने 80 रन बनाकर अपनी टीम को 49 रन से जीत में अहम भूमिका निभाई थी। रोहित के अलावा मुंबई के शीर्ष क्रम के अन्य बल्लेबाज भी शानदार फॉर्म में है। क्विंटन डिकॉक और सूर्य कुमार यादव अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करेंगे। ईशान किशन ने आरसीबी के खिलाफ 99 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उन्हें अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने की जरूरत है। हार्दिक पांड्या और किरण पोलार्ड के अलावा कृणाल पांड्या ने भी ताबड़तोड़ रन बनाने की अपनी क्षमताओं का अच्छा प्रदर्शन पेश किया है। ऐसे में नरेन की गैर मौजूदगी वाले केकेआर के आक्रमण पर वे हावी हो सकते हैं। गेंदबाजी विभाग में भी मुंबई की टीम में कोई परेशानी नहीं है। ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह उन्हें शुरू से ही विकेट दिला रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जेम्स पैटिनसन उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं। स्पिनर राहुल चहर और कुणाल पांड्या भी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में सफल रहे हैं। वहीं केकेआर की बात करें तो केकेआर की परेशानी उनकी बल्लेबाजी है, जो निरंतर एक जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आंद्रे रसल का खराब फॉर्म उनके लिए चिंता का विषय है। रसल अब तक 7 मैचों में केवल 71 रन बना पाए हैं। कोलकाता के पास भी कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इनमें युवा शुभमन गिल, इंग्लैंड के विश्व विजेता कप्तान इयान मॉर्गन, नीतीश राणा और दिनेश कार्तिक प्रमुख हैं। लेकिन कुछ मैचों को छोड़कर वो लगातार लंबी पारियां नहीं खेल पाए हैं। केकेआर के गेंदबाजों ने किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ करीबी अंतर से जीत में अच्छी भूमिका निभाई थी, लेकिन आरसीबी के खिलाफ वो प्रभाव नहीं छेड़ पाए। इस मैच में पैट कमिंस ने 38 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 42 रन लुटा दिए थे। वे अब पिछले प्रदर्शन को भुलाकर फॉर्म में लौटना चाहेंगे। यही नहीं, केकेआर कुलदीप यादव को दूसरे स्पिन गेंदबाज के तौर पर टीम में जगह दे सकता है। उन्हें पिछले 3 मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला है। वो स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के साथ टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। हालांकि मुंबई का पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन कोलकाता को कम आंका नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।